नमस्ते भारत, मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम काशी में मौजूद हैं, वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ साक्षात बसा करते हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं। तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु श्रद्धा का सुमन और मन में मंत्रों की टोकरी सजाए श्री विश्वनाथ का दर्शन करने काशी पहुंचते हैं। मान्यता है कि तीनों लोकों से न्यारी वाराणसी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यही कारण है कि श्री विश्वनाथ के इस दिव्य धाम में समस्त जगत का भरण पोषण करने वाली माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और माँ भूमि एक साथ निवास करती हैं। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा अलौकिक स्थान कोई दूसरा नहीं जहाँ इन तीनों देवियाँ एक साथ विराजमान हों। आखिर क्या वजह है कि तीनों लोकों से न्यारी अपनी ही काशी में महादेव याचक की भूमिका में हैं और माँ भूमि, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी यहाँ एक साथ विराजमान हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो खत्म होने तक बने रहें। हम विस्तार से आपको इन तमाम सवालों का रहस्य बताने जा रहे हैं जो बेहद ही कर्ण प्रिय और अलौकिक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक नमस्ते भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और घंटी का ऑल का बटन पर क्लिक करना नहीं भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नई स्टोरी अपलोड करें तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल बाद कनाडा से अपने धाम काशी वापस लौटी है। उनके आगमन पर काशी में अन्नपूर्णा यात्रा के बाद विधि विधान से मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में मां विराजमान हो गई हैं, जहां वे अपने भक्तों को दर्शन देंगी। समस्त जगत का भरण पोषण करने वाली मां अन्नपूर्णा के दरबार की बात बेहद ही अनोखी और निराली है। मां अन्नपूर्णा का दरबार साल में एक ही बार 4 दिनों के लिए खुलता है, उस समय उनका खजाना बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि उस खजाने का एक अंश भी जिसे मिल जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, सौभाग्य उस पर मुस्कुराती और इठलाती है, उसे पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। हर साल इस खजाने का एक अंश पाने के लिए लंबी लाइन लगती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, माँ अन्नपूर्णा का यह स्वरूप ही उनको जगत की पालन करने वाली माता के रूप में दिखाता है। इसीलिए माँ के हाथों में वो पात्र है जिसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होता। बाबा विश्वनाथ को भी अन्न की भिक्षा देने वाली माँ अन्नपूर्णा ही हैं। काशी के प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर में उनकी स्वर्ण प्रतिमा है। इसके कपाट धनतेरस के मौके पर खोले जाते हैं। धनतेरस से अन्नकूट तक स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन लोग करते हैं। इस मंदिर में 500 साल पुरानी स्वर्ण मूर्तियों में मां अन्नपूर्णा के साथ उनके अगल बगल मां लक्ष्मी और मां भूमि विराजमान हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि भूमि से अन्न उपजता है और उससे संपन्नता आती है। भूमि देवी, अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मी देवी, मां अन्नपूर्णा के सामने पात्र लिए खड़े भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं। यहां देवों के देव महादेव का रूप वैसा ही है जैसा किसी याचक का होता है। ये स्वरूप जगत जननी मां के उस रूप को दर्शाता है जिसे
सब समझते हैं। माँ यानी जो पोषण करती हैं, धनतेरस से अंकुट तक जो खजाना बढ़ता है उसमें धान का लावा, बताशा और खुदरे सिक्के होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि जिसे भी ये मिलता है उसका सौभाग्य और उसकी संपन्नता कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि इसी अन्नपूर्णा मंदिर में पाषाण प्रतिमा भी है जिसमें अन्नपूर्णा महादेव को पात्र से भोजन दे रही हैं। जीवते अन्नदायित्वम मरणे मोक्ष दादाम्यहम्, जीवित रहने पर अन्नपूर्णा पोषण करेंगी और शरीर शांत होने पर महादेव मोक्ष देंगे। काशी में मोक्ष मिलता है, इस दर्शन के केंद्र में माँ अन्नपूर्णा हैं। इसके पीछे एक कथा है। काशी के राजा दिवोदास ने सभी देवताओं को यहाँ से बाहर कर दिया था, स्वयं महादेव को भी बाहर जाना पड़ा। तब एक बार काशी में अकाल पड़ा। महादेव ने दिवोदास को उपाय सुझाया कि वो अन्नपूर्णा शक्ति को प्रसन्न करें। तभी पार्वती से महादेव ने कहा कि वो अन्नपूर्णा रूप में काशी में वास करें। पार्वती को शिव ने ये तक कहा कि आप वहाँ जाएंगी तो मैं भी स्वयं आपसे भिक्षा लेने आऊँगा। शिव ने कहा कि जीवित रहने पर जगत का पालन पोषण अन्नपूर्णा आप करें और मृत्यु पर मैं तारक मंत्र से उन्हें मोक्ष दूंगा। माँ अन्नपूर्णा ने शिव को वचन दिया कि उनके काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। शायद इसीलिए महादेव ने देवी के किसी और रूप को नहीं अन्नपूर्णा को प्राण बल्वा कहा है। विश्वम पलायति पोषयति यशा विशंभरा, यानी जो विश्व का पालन पोषण करती हैं वो विशंभरा हैं। यही रूप महादेव को सबसे प्रिय है। शिव शक्ति का यही सामंजस्य काशी में है। मतलब साफ है, काशी सिर्फ विश्वनाथ का नहीं अन्नपूर्णा की नगरी भी है। शिव पार्वती की प्रेम कथा में भी है काशी। कथा है कि बहुत तपस्या के बाद महादेव से विवाह होने पर महादेव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने कहा कि आप तो मुझे मेरे ही मायके लेते आए। माँ पार्वती की बात सुनने के बाद शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी का निर्माण किया और स्वयं वहाँ माता के साथ रहने लगे। यहाँ के प्रायः हर मंदिर में महादेव के साथ शक्ति का स्थान है। माँ ने समस्त जगत ही नहीं शिव के भोजन का भी जिम्मा ले लिया। महादेव का याचक के रूप में खड़ा रहना मातृ शक्ति की सर्वोच्चता को बताता है। सालों तक कहाँ थी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति। 100 वर्षों से भी ज़्यादा वक्त का इंतजार के बाद धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति एक बार फिर अपने घर लौट आई और इसका गवाह बना विश्वनाथ मंदिर परिसर, जिसके ईशान कोण में कनाडा से लाई गई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को खुद सीएम योगी ने अपने हाथों प्राण प्रतिष्ठित किया। इस दौरान माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति का काशी में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूरे विधि विधान और पूजन के साथ माँ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की गई। 1 शताब्दी से भी ज़्यादा वक्त तक माँ वनवास में रहीं। जब काशी से माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा के मैकेजी म्यूजियम पहुँच गई थी और फिर पीएम मोदी की कोशिशों के बाद माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति अपने घर काशी में 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त के वनवास को ख़त्म करके वापस आई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो नमस्ते भारत को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। स्टोरी को लाइक करें और अपने मित्रों
और दोस्तों और परिवारों के बीच स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।